नमस्कार साथियों, 28 मई को दिल्ली में संसद के नए भवन का लोकार्पण कार्यक्रम है। सदन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नेतृत्व करने तथा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में मुझे भी देश की सरकार ने इस कार्यक्रम में आमंत्रण दिया गया, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे देश के नामी पहलवान जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन किया और पद्म अवार्ड और अर्जुन अवार्ड जैसे महत्वपूर्ण सम्मानों से उन्हें सरकारों ने नवाजा है, लेकिन उन्हें मजबूरन विगत 35 दिनों से देश की राजधानी में धरना देना पड़ रहा है जंतर मंतर पे, क्योंकि पूरी सरकार एक बाहुबली सांसद के आगे नतमस्तक है। मोदी जी को संसद भवन के लोकार्पण से पहले पहलवानों के आंदोलन की तरफ जान देते हुए बाहुबली सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है, मगर प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक चुनाव में मिली करारी हार और पहलवानों के आंदोलन से देश का ध्यान भटकाने के लिए आनंद फान में संसद के नए भवन का लोकार्पण कार्यक्रम रख दिया। आज संवैधानिक संस्थाओं पर खतरा मंडरा है, पूर्ववर्ती चाहे कांग्रेस की सरकार हो और या आज की सरकार हो, सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग तत्कालीन सरकारों द्वारा लगातार किया जा रहा। उसी तर्ज पर केंद्र की भाजपा सरकार लगातार इसका दुरुपयोग कर रही है और लोकतंत्र खतरे के अंदर है। एक संसद सदस्य के खिलाफ देश के नामी पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन सरकार संबंधित बाहुबली सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। जिस सरकार को संसद भवन के लोकार्पण से पूर्व दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन पहलवानों की भावना के अनुरूप तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बेटियां आंदोलित है और इसके अंदर जो पद्म जो श्री मिले हमारे बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और दूसरे जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट भाई, सत्यव्रत, संगीता फोगाट और ये सब हमारी बेटियां जब 35 दिन से आंदोलित है, तो बेटियों के सम्मान में मैं ये जो 28 तारीख का प्रधानमंत्री इस नए लोकसभा भवन का लोकार्पण कर रहे हैं उसका मैं बहिष्कार करता हूं। जब हमारी बेटियां आंदोलन कर रही है सड़कों पे, हमारे बच्चे सड़कों पे, छोटे भाई सड़कों पे, जिन्होंने देश का नाम विश्व में ऊंचा किया और ये इस तरह का जो कृत्य है ये केंद्र की सरकार करे, इसकी मैं निंदा करता हूं और इस कार्यक्रम का बहिष्कार करता हूं। और कार्यक्रम का बहिष्कार मैं इस मामले को भी दोहराना चाहूंगा कि जब संसद भवन के नए इस भवन की नींव रखी गई थी उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो शिडुकास्ट से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, उनको नहीं बुलाया था। और अब जब उद्घाटन का कार्यक्रम है, लोकार्पण का कार्यक्रम है, तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी की बेटी है, भाजपा ने बड़े जोर शोर से कहा था कि आदिवासी बेटी को हमने राष्ट्रपति बनाया, लेकिन राष्ट्रपति को कम से कम उस कार्यक्रम में तो आमंत्रित करते हैं आप लोग। जब हाउस चलता है, जब पार्लियामेंट के दोनों सदन चलते हैं तो और जब बैठ के बजट पास होता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उस समय तो राष्ट्रपति को आप बुलाते हैं। इसके अंदर दुर्भाग्य से देखिए आपने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, राज्यसभा भी इसी हाउस के अंदर चलेगी, उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया जो हमारे राजस्थान से आते हैं। कितना लोगों की भावनाओं के साथ कुठाराघात प्रधानमंत्री जी ने किया। प्रधानमंत्री जी, ये नया जो आप भवन का उद्घाटन कर रहे हो ये आपके लिए ठीक साबित नहीं होगा। पहले आप पहलवान बेटियों से बात करें, उनकी मंशा के अनुरूप उस बाहुबली को गिरफ्तार कराएं दिल्ली की सरकार। और अच्छा तो ये रहता कि हर पार्लियामेंट का जब सेशन होता है और यह बड़ा काम होता है, चाहे G20 की बात हो, तो प्रधानमंत्री हमेशा ऑल पार्टी मीटिंग को बुला के राय लेते हैं, सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं। लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम के अंदर नया पार्लियामेंट बन गया और इसके आनंद फानन के अंदर क्या आवश्यकता पड़ेगी कि आज का आज इसका उद्घाटन हो रहा है? कम से कम आप ऑल पार्टी के तमाम नेताओं से बात करते और उनसे पक्ष करने के बाद अगर सहमति से उद्घाटन का कार्यक्रम रखते, कौन अतिथि होगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, ये कार्यक्रम अगर रखते तो पूरा देश आपकी वाई वाई करता। लेकिन दुर्भाग्य से आपके मन में जो भावनाएं दूसरे दलों के प्रति है, जो एनडीए के छोटे दलों के प्रति भावनाएं थी, आपको छोड़ छोड़ के चले गए एनडीए के सारे दल, शिवसेना चली गई, अकाली चले गए, आरएलपी चली गई, आपका जो जनता दल बिहार का यू वो चला गया, अब करीब करीब दल जाने की फिराक में और 24 का जो रास्ता आपके लिए आसान नहीं है। मैं इस 28 तारीख का जो कार्यक्रम है हमारी पहलवान बेटियों के सम्मान में, हमारे भाइयों के सम्मान में, इस 28 तारीख के संसद भवन के नए उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करता हूं बेटियों के समर्थन में, पहलवान बेटियों के समर्थन में। हनुमान बेनीवाल, इस जो आप केंद्र का कार्यक्रम है, जो आप केंद्र सरकार का आप रंगारंग कार्यक्रम जो आयोजित कर रहे हो, मैं इस कार्यक्रम का बहिष्कार करता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।